माय क्यूट लिटिल फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो ये देखें जी, ये रोज़ ब्लूमिंग पर आ गया है, ओपन हो गया है मतलब कम्प्लीटली। और ये भी अभी बस थोड़ी देर में धूप इधर लगेगी ना तो ये ओपन हो जाएगा। टाइम हो गया है 11:40 और काफ़ी अच्छी हद तक धूप आ गई है। वैसे इस ट्री के गिरने का एक एडवांटेज ये हुआ है कि जो भी मतलब सनलाइट इस ट्री की वजह से ब्लॉक हो रही थी वो जो है अब थोड़े से उसकी एक्सेस मुझे होगी। जो ही सन थोड़ा ज़्यादा मिड में पहुंचेगा तो इधर काफ़ी अच्छी टाइम के लिए धूप आ जाएगी। इसके साथ ही देखें जी, रोज़ेज़ ओपन हो रहे हैं और ये सारे मैंने जो है गुलदाउदी की जो भी प्लांट्स यहाँ पर रखे थे वो उनको मैंने बाहर रख दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये गीले हो गए। और आज जितना मैं इनको ड्राई कर सकूँगी करूँगी और कल से फिर बारिशें हैं और इन सब को मैं दोबारा से अंदर जो है अपने सहन में रख लूँगी। इसके साथ ही ये देखें जी, जैतून का प्लांट काफ़ी अच्छा जा रहा है। ये देखें जी, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी बीच में और यहाँ पर भी रोज़ ओपन हो रहे हैं। अब ये देखें जी, ये सारे ये देखें अभी धूप आई है तो ये खुद ही नीचे गिर गए हैं, मुझे इनको तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी तो बस इनको मैं ऐसे ब्रेक कर दूँगी। और इसके साथ ही मुझे कुछ और चीज़ें भी, ये देखें जी ये खुद ही शेड हो रहे हैं, इनको हम रिमूव कर देते हैं। डेड हेडिंग ज़रूर करें रोज़ेस की क्योंकि ये पानी की वजह से इनमें अब कुछ भी नहीं बचा हुआ, ये कम्प्लीट वेस्ट हैं। और इनको आप डेड हर्टिंग करेंगे तो न्यू रोज़ेज़ जो ये अभी कलियाँ बनी हुई हैं ये खिलने के लिए तैयार हो जाएंगी। यहाँ पर देखें जी, ये एक रेड मैरूनी सा कुछ कलर है वो ओपन हो रहा है और इनकी इतनी अच्छी स्मेल है मैं आपको क्या बताऊँ। इसके साथ ही देखें जी, काफ़ी अच्छी इनकी ग्रोथ हो रही है और फिर बारिशें हैं, एक दिन का टाइम है मेरे पास, इनको जो धूप मिल सकती है मिलेगी। और ये देखें जी, ये छोटे छोटे रोज़ेस अब जो है ओपन हो रहे हैं, ये बटन रोज हैं, पिंक कलर की वैरायटी है और धूप आएगी बेचारी ये भी कुछ ब्लूमिंग पर जाएंगे। यहाँ पर ये पिंक रोज़ है, अभी ये इसकी पेटल्स काफ़ी इंटैक्ट हैं इसके साथ तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर स्टडी कर दूँगी। और ये रोज़ को कहीं तो हम डालते हैं। और ये देखें जी, वाइट रोज़ भी फाइनली ये जो ब्लूमिंग कर रहा है, धूप जो ही लगेगी ये सारा ब्लूम पर आ जाएगा। देखें ये ब्लूमिंग पर आ गया है, यहाँ पर देखें तो ये भी देखें जी, दो अलग वैरायटीज़ हैं बटरफ्लाई प्लांट की, ऑक्सेलिस भी बोलते हैं। तो ये देखें ये दोनों, ये लाइट पिंक है ये डार्क पिंक है, दोनों ब्लूमिंग पर है। पर्पल हर्ट में कहीं कहीं ब्लूमिंग आ रही है और कहीं पर नहीं आ रही। ये देखें जी, रोज़ कम्प्लीटली ये देखें जी ओपन हो गया और बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है इसकी। इसके साथ यहाँ पर एक जो है रोज़ की कली है, कलर बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, डिफरेंट कलर है, ना पिंक का शेड है ना रेड का शेड है, कोई मिड में इसका मुझे लगता है ये थोड़ा सा आएगा। अब जब ये ब्लूमिंग पर आएगा तो फिर हम इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर भी कुछ खास अपडेट नहीं है मेरे इंडोर गार्डन में, ये है कि ये जो फाइनली ये पील होके पत्तियाँ ओपन हो रही हैं। मेरी तरह किसको ये पील करना पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये रेड रेड सी ये मुझे पील करने को मिलती है ना, काफ़ी मज़े करते हैं। एक एक इनकी ब्रांच निकल रही है, ऊपर भी काफ़ी अच्छी जो है फ्लावरिंग है। ये देखें, आपको एरिका पाम का फ्लावर दिखाऊं, फर्स्ट टाइम ये साल में पहली दफ़ा ये फ्लावरिंग आ रहा है। ये देखें जी, काफ़ी ज़्यादा जैसे ऑक्टोपस के जो है टेंटिकल्स होते हैं वैसे ही इसमें फ्लावरिंग है। इसके साथ ही ये देखें, कैन पाम में भी ऑक्टोपस के टेंटिकल्स की तरह ही फ्लावरिंग आ रखी है। तो आज के लिए इतना ही, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और इस फ्लावर के लिए एक लाइक तो बनता है। बाय बाय।